तो पाकिस्तान को धूल चटाने वाली जो सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी, उसके जो मास्टरमाइंड थे अजीत डोभाल जी, वो पाकिस्तान में अपनी देश की सुरक्षा के लिए 7 साल तक मुसलमान बनकर रहे थे। जी हाँ दोस्तों, और यह एक ऐसे पुलिस अफसर हैं जिन्हें सैन्य सम्मान कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया है, और यह पुरस्कार पाने वाले वो पहले व्यक्ति थे। दोस्तों, आपको दुनिया की सबसे बड़ी दीवार तो पता ही होगी, जी हाँ, चीन की दीवार। बट दूसरे नंबर पर जो दीवार आती है वो राजस्थान के कुंभलगढ़ की दीवार आती है, और यह जो किला है वो टोटल 36 किलोमीटर लंबा है। दोस्तों, आपको पता है कि APJ अब्दुल कलाम सर बड़े बाल क्यों रखते थे और वो अपने बालों से दोनों कानों को क्यों छिपाते थे? इसके पीछे का राज दोस्तों अब पता चला है कि उनका जो एक कान था वो कटा हुआ, जिसके चलते उन्होंने अपने बाल बढ़ाए थे और उससे वो अपने कानों को छुपा लेते थे। गाइस, आपने पैराशूट ऑयल का जरूर नाम सुना होगा जो लड़कियां अपने बालों पर इस्तेमाल करती हैं। दोस्तों, इसमें फैक्ट ये है कि इस पूरी बोतल पर कहीं भी हेयर ऑयल मेंशन नहीं है, क्योंकि यह सिर्फ ब्यूटी प्रोडक्ट नहीं बल्कि इसे खाने में भी यूज किया जा सकता है, और इसको FSSAI के द्वारा पूरी तरीके से मंजूरी मिल चुकी है कि इसको लगाने के साथ साथ, हेयर पे इस्तेमाल करने के साथ साथ, इसको आप खाने में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, आपको ऊपर तस्वीर दिख रही होगी, यह जो तस्वीर है रानी लक्ष्मीबाई जी की है, और यह एकमात्र ऐसी तस्वीर है जो उनकी रियल एक्चुअल तस्वीर है। इसे 1850 में एक अंग्रेज फोटोग्राफर हाफमैन ने इसे खींचा था। किताबों में जो आप उनकी फोटो देखते हैं वो फेक है, यानी ऐसे ही बनाई गई है, इमेजिनरी फोटो है, बट जो आप ऊपर फोटो देख रहे हैं यह उनकी रियल और एक्चुअल तस्वीर है जो आपको इस समय दिख रही है। आज हम लोग बाहर के लोगों के बारे में तारीफ करने से नहीं चूकते, जबकि हम लोग अपने इंडियंस के बारे में जानने की कोशिश ही नहीं करते। जी हाँ दोस्तों, अपने भारत में सबसे पढ़े लिखे जो व्यक्ति थे उनका नाम था श्रीकांत जिचकर। ये अपने इंडिया में ही रहते हैं, और इनके पास ऐसी बहुत सारी डिग्रियां थी जो एक आम व्यक्ति के पास नहीं होती हैं, यानी ये एक असाधारण व्यक्ति थे। इनके पास टोटल 20 डिग्रियां थी, और उनमें से जो मुख्य थी वो थी IAS, IPS, डॉक्टर, वकील, ऐसी बहुत सारी इनके पास डिग्रियां थी। दोस्तों, ये 25 साल की उम्र में MLA भी बने थे। अनफॉर्चुनेटली 2004 में इनकी मृत्यु हो गई थी। दोस्तों, आपने एक दो लोग को बेवकूफ़ बनते हुए ज़रूर देखा होगा, बट अगर मैं आपसे कहूं कि पूरा का पूरा गांव ही बेवकूफ़ बन गया तो आप क्या कहें? नेपाल का होक्से गांव, जिसका नाम ही है एक किडनी वाला गांव, वो पूरा गांव का गांव ही बेवकूफ़ बन गया। और वहां पर जाने के बाद जब पता चला, लोकल से पूछा गया, तो उन्होंने बताया यहाँ पर मानव तस्करी वाले लोग आए थे जिन्होंने उनको पैसे का लालच दिया, जिसके चलते हुए उन्होंने अपनी एक एक किडनी सब लोगों ने निकलवा दी। पूरे गांव के गांव ने अपनी किडनी दे दी पैसों के लालच में, और उन मानव तस्करों ने कहा था कि आप अपनी एक किडनी जब हमें दे देंगे तो आपकी दूसरी किडनी उग आएगी, जम आएगी, तो आप उसे दोबारा बेच सकते हैं। जिसके चलते हुए पूरे गाँव के गाँव ने अपनी एक किडनी बेच दी थोड़े से रुपए के चलते हुए, और इस प्रकार वह पूरा का पूरा गांव बेवकूफ़ बन गया, और इसीलिए अब पूरे गांव का ही नाम है किडनी वैली। आप इसको गूगल करिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है, और इसके बारे में बहुत ही मज़ेदार कहानियां, आप इसको पढ़कर जरूर देखिएगा। दोस्तों, इन सभी फैक्ट में से आपको कौन सा फैक्ट अच्छा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी है तो इसे लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, जिससे मैं आपके लिए ऐसी वीडियो लाता रहूं। और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, जब भी नई वीडियो अपलोड करूं आप तक की पहुंच जाए और आप इसे सबसे पहले पा सकें।